So Google just dropped something insane, and it's called Nano Banana. And no, it's not a fruit. It's an AI model that edits images like magic. और ये Google का सबसे powerful AI है जो images को बहुत natural और realistic way में edit करता है. As an artist, I can say मैंने Photoshop भी use किया है, and I used to spend lot of hours creating the natural looking images. फिर भी वो result उस level पे नहीं आता था. You know, बहुत natural color grade and everything. और ये literally prompt से बहुत सारी चीज़ें वो result achieve करता है. और इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग गाइड दूंगा नैनो बनाना की, और यूज एग्जांपल जो केस स्टडीज हैं, और क्या क्या आप नैनो बनाना से बना सकते हो, और क्या क्या चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ. तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, 1.5x की स्पीड से देखो, लेकिन पूरी देखो, स्किप मत करो. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने ये नैनो बनाना के ऊपर फुल गाइड बनाई है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो. सो मैंने यहाँ पे एक्जैक्टली सारे प्रॉम्प्ट्स के साथ एग्जांपल दिए हैं कि क्या क्या आप इसे बना सकते हो. तो ये गाइड तो मिल जाएगी आपको, बट लेट्स एक्चुअली स्टार्ट व्हाट एक्जैक्टली नैनो बनाना कैन डू, एंड बहुत इजीली आप अच्छे से रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको ये फ्री में कहाँ से लेना है, मैं दो चीज़ें बताता हूँ जो कि एब्सोल्यूट फ्री है. बाकी क्रिएटर्स आपको बताएंगे, फ्री पिक्स आप यूज़ कर सकते हो, आप लियोनार्डो से यूज़ करते हो, एक्सवील से यूज़ कर सकते हो, बट वो सब उसमें एक आपको बेसिक प्लान लेना पड़ता है, इट्स नॉट कम्प्लीटली फ्री. सो सबसे पहले गूगल AI स्टूडियो यहाँ पे अपने ओपन करना है, गूगल AI स्टूडियो, और यहाँ पे जो जेमिनी नैरेटिव इमेज दिखाएं, जो जेमिनी 2.5 फ्लैश है, यही नैनो बनाना है. इसका प्रोफेशनल नाम जेमिनी 2.5 फ्लैश. तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे ना दिस मॉडल इज लिमिटेड फ्री क्वोटा टेस्टिंग, ये भी बता रहे हैं, बट एक्चुअली आपको काफी सारे क्रेडिट्स मिलते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो टोकन काउंट, तो काफी आपको क्रेडिट्स यहाँ पे मिलते हैं, तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो. अब यहाँ पे जनरेट कैसे करना है, मैं आपको एक बेसिक जनरेट एन इमेज ऑफ बनाना मेरी कॉस्ट्यूम मैं यहाँ पे रन करता हूँ. ओके, अब ये जनरेट कर रहा है. वैसे तो ये इमेज जनरेशन टूल नहीं है, बट फिर भी आपको एक बेसिक अच्छी इमेज जनरेट करके दे सकता है. देखो जैसे ये बहुत वियर्ड साइज ने बनाया है, बट क्योंकि ये इमेज जनरेशन टूल स्पेसिफिकली नहीं है, ये इमेज एडिटिंग टूल है, तो आपको इसको उसी तरह से यूज़ करना है. जैसे अभी मैं एक बेसिक यहाँ से आपको इमेज अपलोड करनी है, अपनी जो भी इमेज आपको यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल्स रेफरेंस इमेज, मैं अपनी यहाँ पे फोटो डालता हूँ ये वाली, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंज, यहाँ पे टाइप चेंज द कलर ऑफ हिज शर्ट टू लेट्स से रेड. मैं सिंपल प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे रन करूँगा, और ये बहुत जल्दी जनरेट कर देगा. आप यहाँ पे देख सकते हो कितने टोकन आपके यूज़ हुए. तो ये बेसिकली फ्री है, तो आप अनलिमिटेड यहाँ पे जनरेट कर सकते हो. और देखो भाई, इसने मेरी शर्ट का कलर चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये देखो रेड, ठीक है, ये थी ब्लैक ओरिजिनल. और एक चीज़ आप नोटिस करोगे, इसमें फेस एक्जैक्टली सेम रखा है, क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, देखो बहुत नेचुरल. बाकी इमेजेस मॉडल में क्या होता है, फेस चेंज होता है, जो चैट जीपीटी की इमेज में हमने देखा है, फेस चेंज हो जाता है दो तीन इमेज का. अब सेकंड ऑप्शन है इसका एलएम अरीना. मैंने एक हफ्ते से मैं ये ट्राई कर रहा हूँ एलएम अरीना. इसमें एलएम अरीना डॉट एआई, बेसिकली एलएम अरीना एक्चुअली कंपैरिजन, और क्या कहते हैं इसको, कंपैरिजन मॉडल है, जिसमें आप मॉडल कंपेयर करते हो. जैसे अभी बैटल मोड में हमको जाना है, यहाँ पे अभी हम देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पे जनरेट किए थे. लेट्स सी, अब मैंने यहाँ पे ये दो इमेज ऐड करी, एंड दिस वुमन पोजिंग नेक्स्ट टू मैन, रियलिस्ट नेचुरल एंड रियलिस्टिक. अब इसे ना मेरे को बैटल मोड में क्या होता है, दो कंपैरिजन के लिए वो जनरेट कर. ये नैनो बनाने वाली इमेज है, देखो ये काफी नेचुरल है, इसने लिटरली उसको मेरे साइड में, एक्चुअली साइड में डाला था, बट मैंने प्रॉम्प्ट ऐसा लिखा नहीं, और ये नेचुरल फोटो उसने एज इट इज रखा, इस लड़की को उसने वहाँ पे ऐड कर दिया. अब ये जीपीटी में देखो, जीपीटी ने मेरे चेहरे की पूरी वार्ड लगा दी है, कौन सा आदमी दिख रहा है वो, क्या है वो, ये कैरेक्टर उसने डाला, बट इसका भी फेस चेंज किया है, थोड़ा सही लग रहा है. अब मैंने यहाँ पे अपनी सेम इमेज डाली, मैंने यहाँ पे ये सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट लिखा, और इसने मुझे यहाँ पे ये आउटफिट के साथ जनरेट कर दिया, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है. अब मैंने यहाँ पे सेम अपनी ये फोटो डाली, और इसके साथ एक कार भी डाल दी, ठीक है, मैंने एंड दिस मैन नेक्स्ट टू कार रियलिस्टिक एंड नेचुरल. अब मैंने ना यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा दिस मैन पेंडिंग नेक्स्ट टू कार, तो अब ना इसने ये जेमिनी 2.0, और आप एक चीज़ याद रखना 2.5 जो है ना वो है नैनो बनाना, तो ये 2.0 है, ये जेमिनी, देखो ये इमेज कूल है भी, बट इसमें भी फेस मैच नहीं है. अब नैनो बनाना, इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया बेंड, इसे वो बेंड हो गया आदमी, अगर मैं थोड़ा सा बेटर लिखता तो वो मैं ही हूँ आदमी, क्या मैं ही हूँ. सो देखो कितनी नेचुरल लग रही है, लिटरली लग रहा है कि अगर ये फोटो किसी दिखाऊंगा तो लिटरली वो यही बोलेगा कि आई एम डूइंग समथिंग विद माय कार. सेम मैंने अब नेक्स्ट अलग इमेज ली, और इसने मुझे यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दिया. अब ये देखो फ्लेक्स कॉन्टेक्स्ट, जो कि फेस अच्छे से मैच करता है, नैनो बनाना के रिजल्ट देखो, लिटरली ये कितना नेचुरल फोटो है. मतलब अगर मैं भी खुद ये फोटो देखूँ तो लग रहा है कि मैं कहाँ गया था, मैंने ये फोटो खिंचवाई थी, बहुत नेचुरल. अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके साथ प्रॉम्प्ट के साथ चीज़ें ट्राई की, और ये सारी फोटो यहाँ पे मैंने अपलोड की अपनी, ताकि उसको एक अच्छे से रेफरेंस मिले और ये कार पे. अब उसने देखो मुझे, ये लिटरली उसने स्ट्रीट पे मेरी ये फोटो अटैच करके सोन पहना, बहुत नेचुरल फोटो लगी है. तो लिटरली यू कैन एक्चुअली डू लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. अब एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगा, नैनो बनाना हूँ जीपीटी 5 में एक फर्क है, जीपीटी की इमेज सिनेमैटिक लगती है जब आप अच्छे से प्रॉम्प्ट करते हो, तो हाँ फेस चेंज होता है, लेकिन आप ये देख रहे हो ना, ये जो इमेज में रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो लाइटिंग है, जो टोन है, जो मूड है सीन का ओवरऑल, ये इसको देख के लिटरली ऐसा लगता है ये मूवी का शॉट है ना. अब ये देखो ये लगता है नेचुरल लगता है, और काफ़ी अच्छे से फोटोग्राफी, लेकिन ये जो इमेज है ये फोटो बिल्कुल मूवी की स्टाइल लगती है, लाइक मूवी से क्लिक की, ये नेचुरल लग रही है काफ़ी. तो अलग अलग फायदे उसके, अगर आपको अपना फेस नहीं डालना तो आप जीपीटी इमेज यूज़ कर सकते हो, बहुत सिनेमैटिक आती है, एडिट करना है उसमें फेस डाल लो. एक प्लस पॉइंट मैं आपको प्रो टिप देता हूँ, आपको जैसी इमेज चाहिए वैसे यहाँ पे जनरेट करो, एंड देन
नैनो बनाना से उस पर अपना फेस साफ करो तो बहुत सिनेमैटिक लुक आएगा। मैंने जैसे जीपीटी में बैटमैन बनाया था, नैनो बनाना ने मेरा बैटमैन कुछ सिनेमैटिक उसने भी रखा है वैसे, बट सिमिलर से। चलो अब और मैं आपको एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा था वाल्मी, तो ये तो फ्लेक्स कॉन्टेक्स है, इसे मेरी ऐसी हेयर स्टाइल जीपीटी ने थोड़ा फेस अल्टर कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे इसने जनरेट नहीं किया है, नैनो बनाना ने ये जनरेट किया, ये काफ़ी नेचुरल है और परफेक्टली उसने मेरे को गंजा कर दिया है, बट कूल है, आपको टेस्ट करने के लिए सही है। मैंने यहाँ पे अपने देखो लॉन्ग हेयर्स और ये बियर्ड, ये भी काफ़ी नेचुरल लग रहा है, ये जीपीटी में है ना, फर्क चेहरों में फर्क आता है। और आप ये जेमिनी 2.0 फ्लैश देखो, ये लिटरली फोटो देख के लगता है कि ये 2005-2010 की फोटो है, जो कि बहुत फिल्टर होनी होता है, शादी वाले वो करते हैं लिटरली उस टाइप से। अब ये देखो, मेक दिस मैन इन जंगल इन हैवी रेन, अब देखो ये कितनी नेचुरल फोटो लगी, ये फोटो थी मेरी, ठीक है, इसने उसमें रेन ऐड कर दी। सिंपल प्रॉम्प्टिंग आपको करनी है यहाँ पे, आपको अब मैंने लिखा यहाँ पे टर्न दिस मैन इनटू ब्यूटीफुल वुमन, अब ये है क्वीन इमेज एडिट, ठीक है, अब ये है, ये भी काफ़ी नेचुरल लग रहा है, फ्लक्स कॉन्टेक्स और ये भी फ्लक्स कॉन्टेक्स है, अब मैं ये भी फ्लक्स कॉन्टेक्स है, ये काफ़ी अच्छी आई है, और ये है नैनो बनाना, इसने मुझे लिटरली लाइक लड़की बना दिया। तो ये थे एग्जांपल्स, अब आप मल्टीपल इमेजेस के साथ इसको ब्लेंड कर सकते हो। हम चलते हैं गाइड में जो मैंने आपको बनाया है, ये देखो पुट मेकअप ऑन, अब मेक नाइट मेक लाइट आप अपने मॉडल की इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो और उस पर जिस स्टाइल का आपको मेकअप चाहिए वो ऐड ऑन कर। आप देखोगे यहाँ पे ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट में मैंने उस पर 90s, 80s और 70s का मेकअप, तो इसने उस हिसाब से इसको, तो इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि फेस में बिल्कुल चेंज नहीं करता, बहुत नेचुरल और कंसिस्टेंट फेस रखता है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया था, ये सेम ये थी ओरिजिनल इमेज, ठीक है, ये इमेज मैंने जीपीटी से जनरेट की थी, देन मैंने प्रॉम्प्ट से उसकी हेयर स्ट्रेट किए, कलर चेंज किया, एंड देन यू कैन सी मैंने मेक हर टर्न लेफ्ट, उसने लेफ्ट किया, फेस एग्जैक्टली सेम रखा उसने, उसमें चेंजेस नहीं की, मेक हर डूइंग पॉडकास्ट, देखो उसको ये पॉडकास्ट वीडियो में एग्जैक्टली उसने यहाँ पे ला दिया, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन डू। अब मैंने ये एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे सेट करके रखा है कि ये इमेज प्लस ये आउटफिट एंड दिस इज द कार, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये इमेज जनरेट की, ये देखो कितनी नेचुरल लगी, लिटरली उसने मुझे ये आउटफिट बनाया और उस कार की साइड में सीन में ऐड किया, इसकी मैंने डिफरेंट एक्सप्रेशन शो हर इन 6 डिफरेंट एक्सप्रेशन, दिस इज द इमेज एंड दिस इज व्हाट इट जनरेटेड, तो आप ये देख सकते हो अलग अलग 6 डिफरेंट एक्सप्रेशंस एंड देन शो हर इन 6 डिफरेंट एक्सप्रेशन। अभी पॉडकास्ट इमेज है, ये है नैनो बनाना, देखो भाई कितना नेचुरल लग रहा है, एंड ऑल्सो दिस सम ऑफ थिंग्स एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ें अगर प्रॉम्प्ट बेटर नहीं लिखोगे तो वो एक्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता है, जैसे मैंने मेक दिस मैन डूइंग पॉडकास्ट विद दिस वुमन, ये फोटो है और ये मेरी फोटो है, ओके, इसने साइड बाय साइड लग के यहाँ पे पॉडकास्ट जनरेट करा, नाउ क्लोज AI एंड ऑल दिस थिंग, लेट्स सी दिस। अब ये कुछ चीज़ें देखो, मेक दिस मैन टेकिंग सेल्फी विद द मॉन्स्टर, ओके, अब ये प्रॉम्प्ट मेरे हिसाब से उतना डिटेल नहीं है क्योंकि मुझे बेटर रिजल्ट नहीं मिला इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ, मेक हिम डूइंग ए पॉडकास्ट, ये देखो नैनो बनाना का रिजल्ट, ये कलर करेक्शन और जो लाइटिंग है ये बिल्कुल मैच नहीं, मुझे यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज और ऐड करनी चाहिए थी जिससे वो बहुत नेचुरल वे में मैं उसको जनरेट कर सकता था, बट सी ओके ओके, सो दिस इज अ गाइड एंड चेंज, आप इसमें चेंज क्लोज कर सकते हो जो कि बहुत सिंपल है, ये देखो ये ओरिजिनल इमेज है, देन यू कैन चेंज ये प्रॉम्प्ट लिख के, चेंज द मैन आउटफिट टू लग्जरी स्टाइल वियर, और ये देखो सेम इमेज सेम आउटफिट, यू कैन ऑल्सो चेंज द लोकेशन, बस आपको प्रॉम्प्ट में यहाँ पे लिखना है सेंस ऑफ सिनेमैटिक लाइटिंग एलिगेंस स्टाइल फोटोग्राफी, चेंज द स्टाइल, आप एक इमेज का स्टाइल बदल सकते हो जैसे पिक्सार 3D और डिफरेंट 1950s रेट्रो पोस्टर, यू कैन रिस्टोर एंड कलराइज द इमेजेस, जैसे ये जो ओल्ड इमेज है आप इसको कलराइज कर सकते हो, दिस सी उसने इसको रिस्टोर किया और इसने इसके बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया, लिटरली बहुत सिंपल है, और ये बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग यू कैन ऐड और रिमूव ऑब्जेक्ट्स, चेंज एक्सप्रेशन, तो ये प्रॉम्प्टिंग गाइड में मैंने लिटरली सारी चीज़ें क्रिएट एड्स विद वन क्लिक, यू कैन सी ये चीज़ आप देखो, जैसे हमें स्ट्रीट फोटोग्राफी लेते हैं, ठीक है, अब इसमें मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा, यहाँ पे इसने पूरा क्लीन और उसको कलर अच्छे से कर दिया यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, द मैन कलर्स विद द डॉग, ये देखो यहाँ पे, चलो अब टेस्ट करते हैं एलएम अरीना में, ठीक है, एलएम अरीना में एक चीज़ की दिक्कत यह है कि आपको पता नहीं होता कि नैनो बनाना से वो इमेज जनरेट करेगा या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 30% चांस है कि नैनो बनाना है, बाकी मोस्ट ऑफ द चांस है कि कुछ और ही बनता है, लेट्स ऐड दिस टू इमेज बनाना एंड बी कंबाइन बोथ इमेजेस, लेट्स सी, ये एक सिंपल मैंने प्रॉम्प्ट डाला, तब तक हम एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं चेंज, लेट्स ऐड दिस इमेज, तब तक वो हो रहा है, चेंज द आउटफिट टू ए ब्लैक सूट एंड हिट एंटर नहीं कर सकते, हमको वेट करना पड़ेगा जब तक ये है, हम ए आई स्टूडियो में जाके ऐड कर सकते हैं फोटो फाइल, यहाँ पे चेंज सेम प्रॉम्प्ट वो, ओके, अब एलएम अरीना में ना ये पूछता है कि विच वन लुक्स बेटर, उसके बाद ही बताएगा ये कौन सा मॉडल है, तो मेरे को ये नेचुरल लग रहा है राइट इज बेटर, सो ये यहाँ पे मॉडल रिवील करेगा ये कौन से मॉडल से बना है, आई थिंक ये नैनो बनाना है, अब इसने जेमिनी 2.5 इट मींस नैनो बनाना यहाँ पे, और ये जीपीटी में देखो इसने बहुत नेचुरल वे में किया, बट एक चीज़ ये होगी कि इसे यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं देखा, डेप्थ नहीं देखी उसने, तो हमको प्रॉम्प्ट बेटर लिखना पड़ेगा, तब हम ये जनरेट करते हैं, हम AI स्टूडियो में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं अपलोड फाइल, यहाँ पे हम ऐड करेंगे ये चीज़ ऐड करते हैं सुपरमैन, लेट्स सी दिस इज वाइल्ड कैसे बोला,
मैन टेकिंग सेल्फी विद सुपरमैन। इसको रन करते हैं, एलएम अरीना पे चलते हैं। ये अब कैसे पूछा, ठीक है, लेफ्ट इज बेटर, मेरे को 100% पता है, ये जी टी फाइव है, 2.5 है, जेमिनी नैनो बना, बहुत नेचुरल, यस देखो भाई क्या नेचुरल, बहुत ही नेचुरल है। देखते हैं ये स्टूडियो, ओहो हो हो, इसने भी जनरेट कर दिया, वाह हेनरी कैविल, इसने हाइट वाइट सब मैच किया, हेनरी कैविल 6'1" 6'2" और मैं अराउंड उतना ही होगा 5'7" 5'8" सो इसने एक्चुअली हाइट वाइट प्रोपोर्शन सब चीज़ें भी मैच किए, उसको नहीं पता मेरी हाइट, बट स्टिल इट्स क्वाइट नेचुरल और रियलिस्टिक। लेट्स ट्राई अगेन, अपलोड अ फाइल, नाउ दिस टाइम लेट्स सी, ये डायनासोर मैं ऐड करता हूँ, थोड़ा सा ये वाला सीन, ओके, एंड एक और इमेज मैं ऐड करता हूँ अभी, लेट्स टेकिंग अ सेल्फी, ओके एंड दिस मैन टेकिंग सेल्फी विद द डायनासोर एंड इन द जंगल, तब तक आप यहाँ पे, तो आप अल्टरनेटिवली दोनों चीज़ें यूज कर सकते हो, अरीना और बैटल भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे, बट मेरे जो 32,000 क्रेडिट्स खत्म हो जाएंगे ना तो उसके बाद आप यूज़ नहीं कर सकते हो, पर डे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है 32,000 पर डे के हिसाब से, क्योंकि मैं तो अरीना में यूज़ कर रहा हूँ, तो पर डे आपको 32,000 क्रेडिट्स मिल रहे हैं, विच इज नेचुरल एंड विच इज नॉर्मल, इसने जनरेट कर दी, ओके अभी ये थोड़ा सा नेचुरल लग रहा है, सीन मैचिंग में मेरे को प्रॉम्प्ट, जब सीन मैचिंग होता है ना तो आपको प्रॉम्प्ट अपडेट करना पड़ेगा, तो इतना सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट लिखना है कि वो लाइटिंग और वो सारी चीज़ें मैच हो, सो मैंने यहाँ पे इस गाइड में लिटरली सारी चीज़ें डिटेल प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सो द मैन कैन विद हिज डॉग यहाँ पे तीन इमेज और यहाँ पे, सो इट्स सुपर इजी, दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू इट। So that's it. This is the video and Nano Banana is free right now. So do think many baad agar aap video dekhte ho to I can't tell if it's gonna be free forever or filhal ke liye free hai. But this is crazy tool. Aap isse bahut sari cheeze experiment kar sakte ho, apni photo improve kar sakte ho, cinematic prompts, ads, creative way mein isko use kar sakte ho. So maine ye guide yahan pe di hai aapko. Aap description mein ye guide le sakte ho and subscribe me, follow me and milte hain next video.